हेलो फ्रेंड्स, आज हम CO2 लेज़र कटिंग मशीन पे शीट पे लेकर अरेंज करना और मतलब कितना वेस्टेज कम निकाल सकते हैं हम कम से कम में, वो अरेंज करना सीखेंगे और कटिंग भी करेंगे आज। तो अभी हमने ये लेटर्स शीट पे अरेंज किए हैं, इसे सॉफ्टवेयर में लेके चलते हैं। DXF में सेव किया है सर, क्योंकि हमारी मशीन DXF में फाइल एक्सेप्ट करती है। ये इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, जिस नाम से फाइल सेव होती है उस नाम से यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब इसका शीट का जो बाहर वाला आउटर है इसे हम दूसरा कलर करके इसे कटिंग पे नहीं डालें। यहाँ पे हम पावर ऑफ स्पीड सेट कर लेते हैं पहले, और हमारा 60% और स्पीड हमारी 30 की रहेगी। लेयर सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लिया हमने, मशीन पे चलते हैं। ये मशीन पे आ गए हैं। पहले हमने ये जिसका जेड एक्सिस है लेजर पॉइंट का, इसे सेट करना पड़ेगा शीट के अकॉर्डिंग। जैसे 5 mm होती है तो ये जेड एक्सिस ऊपर खा सकता है, 10 mm होती तो और ऊपर जाता है। तो ये जो सिक्का है इसके थ्रू हम मेज़र करेंगे इसे। ये हमने सेट कर लिया है, मैं इसका एक्स वाई सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्स वाई सेट हो गया, और गिन भी कर दिया हमने, स्टार्ट कर दिया हमने मशीन। मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए जल्दी। हमारी ये जो मशीन है ये EVA2 है मेहता की। शीट एक्यूरेट काटने के लिए हमें स्पीड कम रखनी पड़ती है थोड़ी। ये बिल्कुल प्रॉपर कट रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है इसमें। लेटर्स हम चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही इसमें, कोई एरर नहीं आ रही है। कभी कभी मशीन प्रॉपर कट नहीं कर पाती क्योंकि जो उसके लेंस की सेटिंग होती है वो थोड़ी वाइब्रेशन की वजह से खसक जाती है, तो उसे सेट करना पड़ता है। उसका वीडियो भी हम आगे देखेंगे।